लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी पार्क शाखा द्वारा वार्षिक खेलकूद दिवस के अवसर पर आवाहन कार्यक्रम का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अक्षरधाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमन सैनी, शिक्षा निर्देशक जोन 5 के एस के शर्मा, स्कूल ग्रुप निर्देशक मिसिस सी एम पटेल, शिवाजी पार्क लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रधानाचार्य नीता दुआ व आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने विभिन्न विभिन्न परिधानों में अनेकों खेल जैसे 100 मीटर की दौड़, जुम्बा इवेंट, क्लैपिंग, रिंग डांस एवं बच्चों द्वारा योगा की शानदार प्रस्तुति दी गयी। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने मंच के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन सभी पार्टिसिपेट विजेताओं को सम्मानित भी किया। स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय सिंह ने भी सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और लिटिल फ्लावर स्कूल के समस्त स्टाफ को उनके वार्षिक खेलकूद दिवस की बधाई दी। वहीं जोन 5 शिक्षा निर्देशक एस के शर्मा ने भी सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को इतने भव्य कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में उत्साहवर्धन का काम करते हैं। जो ड्रिल करा रहे हों, जो उनके स्पोर्ट्स के हों, सब लोगों की प्रतिभा पहचानने की शक्ति कमाल है और मैं समझता हूँ इसीलिए लिटिल फ्लावर स्कूल आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल गुड विशेस फॉर लिटिल फ्लावरियंस सब, उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं। हमारा हुनर ही यहाँ तक मुझे लाया है, सो आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट। और फिर बच्चों के सामने तो वही बात करनी पड़ेगी ना, हम बच्चों के सामने बच्चों के हिसाब से ही बात करें। उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास एक म्यूजिक का बहुत पावरफुल जरिया है और बाकी बच्चे समझ जाते हैं। एक टीचर ने जिस प्रकार से पोल्यूशन के ऊपर गाना बनाया, धुआं धुआं हो रही है दिल्ली, ये चिंतन अगर लिटिल फ्लावर स्कूल के आंगन में हो रहा है तो मैं समझता हूँ दिल्ली का बहुत जल्दी बहुत भला हो। कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस और खासतौर से बच्चों को तैयार करना 15 दिन में 20 दिन में, वो जब तक टीचर नहीं उसको अच्छे मिलेंगे, जब तक उनका कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो ये परफॉर्मेंस बताता है कि लिटिल फ्लावर स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे अपना काम कर। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट्स डे फंक्शन था, करीबन 2000 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, परेड की और कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तमाम पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उनका हौसला अफजाई के लिए, बहुत ही खुशनुमा माहौल और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल में अवार्ड्स पाए हैं उनको फेलिसिटेट किया गया। तो उम्मीद करते हुए स्पोर्ट्स में जैसे इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और बढ़िया स्कूल कर रहा है, साथ साथ एकेडमिक्स में पर जैसे बात की गई थी सिर्फ पढ़ाई या खेलकूद में हार जीत की जहाँ तक बात है तो सबके लिए जरूरी है कि अगर सक्सेस है ठीक है, फेलियर हो तो भी ठीक है, पर फेलियर से खड़े होकर फिर लड़ना वो ज्यादा जरूरी है। लिटिल फ्लावर स्कूल का प्रोग्राम था स्पोर्ट डे, ये बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चे भारत के भविष्य के निर्माता हैं और मैं चाहता हूँ मेरी शुभकामनाएं बच्चे आगे बढ़ते रहें और देश का नाम, वतन का नाम ऊंचा करते रहें। धन्यवाद। सभी ने बड़ी मेहनत की है, हमारा देश वैसे भी मेहनती रहा है, हमारे देश के हर लोग मेहनती हैं, बच्चे भी मेहनती हैं और आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपने खेलकूद दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्कूल के निर्देशक मिसिस सीएम पटेल ने बच्चों के द्वारा दिखाए गए खेलों की सराहना करते हुए कहा कि लिटिल फ्लावर स्कूल के समस्त स्टाफ को इतने भव्य कार्यक्रम की शुभकामनाएं। साथ ही साथ शिवाजी पार्क शाखा प्रधानाचार्य नीता दुआ ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हमारा हर एक स्कूल बच्चों में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी समावेश कराता है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हर एक संभव प्रयास करता रहता है। 5 दिन से स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, आज लास्ट दिन था, बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम जो देख के पेरेंट्स इतने खुश हुए और मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों का अपने जीवन में हर जगह स्थान हो और आगे फर्स्ट स्टैंड करें। लिटिल फ्लावर्स के बच्चे हर जगह महके और फूलों के समान खिलते रहे। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स 2018 जो हमने ऑर्गेनाइज किए है, कि कम से कम हमें 3 मंथ्स हो गए इसकी प्रिपरेशन करते हुए, इसमें कम से 2000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए और इसमें जो ड्रिल्स हैं हमने 3rd क्लास से स्टार्ट करके, जिसमें हमारी फर्स्ट जो ड्रिल थी बॉल ड्रिल थी, इसके बाद हमने जुम्बा ड्रिल्स और योगा और इसके बाद हमने
मेपल ड्रिल्स, कम से कम 20 ड्रिल्स जो हमने बच्चों को प्रिपेयर करवाई, और सारा इसका जो क्रेडिट है हमारे पीटी टीचर्स को, हमारे पूरे स्टाफ को जाते हैं। और सबसे ये इसलिए हमने इसको ड्रिल्स को लिया है, हमारा जो एक्सपेक्ट हमारा टारगेट है बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, कि जितना हमको एक्सरसाइज कराएंगे, जितना प्रिपरेशन करेंगे, 3 और 4 महीने से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर उनका एक्सरसाइज हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज होने से उनका बॉडी फिटनेस और उनका स्टडीज के ऊपर जो फोकस है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये फाइनली जो है हमने क्लोजिंग सेरेमनी CWG कॉमनवेल्थ विलेज स्पोर्ट्स गांव में हमने जो किया है, ये अक्षर धाम के पास इस विलेज के अंदर मेन करने का ऑर्गेनिक की बड़ा, जितना ग्राउंड मिला उतना बच्चों ने और अपना जो एक एक्सपोजर था ला के यहाँ दिखाया, और कम से कम हमने 6 डे से कॉमनवेल्थ विलेज में ही है, और पूरे जो तीनों स्कूल हैं उनके 7,000 स्टूडेंट्स ने अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, रेसेस में और पार्टिसिपेट किया है। तो लिटिल फ्लावर ग्रुप्स ऑफ स्कूल का जो मेन टारगेट यही है कि पूरे बच्चों को हमने खिलाना है और नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम को पूरा करना है, दिल्ली खेलो। और इस अभियान में जो हमारे CBSE गाइडलाइन है, डायरेक्टर एजुकेशन की गाइडलाइन है, उनकी मेन गाइडलाइन यही कि हर बच्चे को हमने खिलाना है और उसके शारीरिक विकास की ओर हमने ध्यान देना है। मैं बच्चों के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर वी विन, सो नेवर लूज होप अंटिल यू गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माई किड्स फॉर फ्यूचर। हमारे बच्चे यहाँ पर 3-4 दिन से प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। कल हमारे स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल यमुना विहार का स्पोर्ट्स डे था कॉमनवेल्थ गेम्स ग्राउंड में, और आज हमारे मेन ब्रांच लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का फंक्शन है, और यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मनोज तिवारी जी आए, और बच्चों और टीचर्स ने इतनी अच्छे से मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि हमने मैनेजमेंट और हम सबका यही मानना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरकर कभी भी नदियां पार नहीं होती। स्कूल में खेलकूद दिवस के रूप में इस तरह के अलग अलग खेलों का आयोजन कर बच्चों में खेलकूद की प्रतिभा उभर के सामने आती है, जिससे बच्चों में खेलकूद के साथ साथ उनके शारीरिक विकास भी होता है। संदीप कुमार के साथ कमल पवार, तेज निगाहें, दिल्ली। What are you doing?